हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राज्य वित्त आयोग की अध्यक्षता और राज्य सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त डॉक्टर ज्योति किरण ने शुक्रवार को जोधपुर में छात्रों को संबोधित किया और YVP सुराज बस के माध्यम से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का युवाओं के नाम संदेश दिया। दो दिवसीय दौरे पर आया सुराज रथ शुक्रवार दूसरे दिन लाचू मेमोरियल कॉलेज पहुंचा, जहां युवाओं से सीधा संवाद स्थापित किया गया। यात्रा प्रभारी डॉक्टर ज्योति किरण ने बताया कि YVP सुराज बस के माध्यम से राज्य भर के युवाओं के नवाचारों को गवर्नेंस में समाहित किया जाएगा। ज्योति किरण ने कहा कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जैसे विषयों पर भी युवाओं को चिंतन करना चाहिए और नवाचार करना चाहिए। इस दौरान नए विचार प्रस्तुत करने वाले युवाओं को YVP सुराज बस का टिकट भी दिया गया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने 3 अगस्त को अपने निवास से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बस में राज्य सरकार की समस्त फ्लैगशिप कार्यक्रमों और योजनाओं की प्रदर्शनी रखी गई है, साथ ही उसमें मुख्यमंत्री का हस्ताक्षरित क्रिकेट बैट और हेलमेट भी अवलोकन हेतु रखा गया है, जो राजस्थान के युवाओं को खेलो राजस्थान और सुरक्षित वाहन चलाने का संदेश देता है। यह बस राज्य के सभी 33 जिलों के 550 से भी अधिक शिक्षण संस्थानों में जाएगी और प्रदेश भर के 5 लाख युवाओं से सीधा संवाद करेगी। जोधपुर से जागरूक TV की रिपोर्ट।